नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट। तो जैसा देखिए, आप देखिए नॉर्मल अकाउंट में कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें आपको अगर 500 से नीचे का रहता है कोई भी सामान तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरा अकाउंट जो है वो फ्लिपकार्ट प्लस हो चुका है। ये देखिए जो नॉर्मल अकाउंट है, जो जिसमें देखिए फ्लिपकार्ट अकाउंट के लिए हमको 50 मोर कॉइन चाहिए, जिसमें से कि कुछ भी सामान कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें आपको डिलीवरी चार्जेस लग जाता है। कुछ भी मंगाते हैं देखिए, जैसे 193 है तो इसमें आपको कुछ भी मंगाते हैं तो आपको लग जाता है यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस। देखिए यहाँ पर 58 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मगर अब देखिए जो अकाउंट मेरा फ्लिपकार्ट प्लस हो चुका है उसमें मैं दिखा रहा हूँ क्या आपको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने दूसरा आईडी खोल लिया, ये जो है मेरा, जिसमें देख सकते हैं आप कॉइन टोटल कितना है। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट बनाने के लिए सबसे आपको जो मिनिमम है 50 कॉइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरा वेलकम टू योर प्लस जोन, यहाँ पर देखिए मेरा फ्लिपकार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। और ये कन्वर्ट करने में आपको सबसे मिनिमम कम से कम 50 कॉइन होने ही चाहिए। तो देखिए जैसे ही मेरा फ्लिपकार्ट प्लस में हुआ है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको हॉटस्टार 50 कॉइन होने पे, देखिए यहाँ पर हमको हॉटस्टार का प्रीमियम, बहुत सारे साइट के यहाँ पर आप बहुत सारे साइट में ऑफर मिले। और देखिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर, देखिए कोई भी प्रोडक्ट, जैसे पिछले आईडी में मैंने दिखाया था आपको कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं जो आपका 500 से नीचे तक कीमत था उसमें आपको डिलीवरी चार्ज लग रहा था। मगर देखिए यहाँ पर देखते हैं, कोई भी आप सामान उठा लेते हैं जिसका कीमत, जैसे यही उठा लेते हैं, इसका कीमत कितना है देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर 299 है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है इसमें, देखिए इसमें फ्री डिलीवरी चार्ज लग रहा है। तो बस अगर आपका अकाउंट हो चुका है फ्लिपकार्ट प्लस तो उसमें यही फ़ायदा है कि आपको कुछ कितने भी कीमत की आप मंगाएं उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लगेंगे। और जब आपको एक्स्ट्रा सेल लगते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ही आपको कुछ नॉर्मल जो अकाउंट हैं, नॉर्मल अकाउंट से पहले ही आपके सारे ऑफर दिख जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।